ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारी अलमारी तैयार हो गई है, वो अलमारी का लुक और ये बंजारों से जिंदगी जीते हुए हमें 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग में। अभी बज रहे हैं 8:15, 8:30, क्योंकि ये घड़ी शायद हमारी आगे है, नहीं पीछे है, और अंदर वाली घड़ी सही है। सही भी क्या है, 5 मिनट वो भी आ गया है, ये चला गया स्कूल। और सोमी आजकल मॉर्निंग शिफ्ट में जा रहे हैं, तो वो भी चले गए मॉर्निंग शिफ्ट में, और काम के प्रोग्रेस बस चल ही रही है। तो आपको दिखा दूँ, ये है हमारी जो वार्डरोब है उसका डोर है। जब लगेगा ना तब मैं दिखाऊंगी आपको। और कल मैं बता दूँ, बस ये प्लाई का ही काम हुआ है, ये इसमें प्लाई लगी, मतलब सारा प्लाई का काम इसका हो चुका है, बस शीशा लगना बाकी है। और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारे वहाँ अंदर का काम, जो कि स्टडी टेबल और जो रैक्स बनाने हैं उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, काम भी धीरे धीरे प्रोग्रेस में ही है। और मेरी पूजा वूजा हो गई है, अब मैं जाने वाली हूँ मंदिर, क्योंकि आज है सोमवार। तो मैं जाती हूँ, थोड़ा शिवलिंग में जल चढ़ा के आती हूँ और आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ मंदिर। ये है सुबह सुबह के पार्क का नज़ारा, लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ वॉक करने आए हैं। ये देखो, तो ये है हनुमान मंदिर और वो सामने रहा शिव मंदिर। तो अभी मुझे जाना है शिव मंदिर, क्योंकि वहाँ है शिवलिंग, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। और सुबह सुबह पार्क में इतना सुंदर दिख रहा है मॉर्निंग ना, बहुत अच्छा। और यहाँ भजन चल रहा है, देखो मुझे। तो पूजा मेरी हो चुकी है और उस टाइम सभी पूजा के लिए आए हैं, और आप सुन सकते हैं आरती चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, इधर पीछे की साइड है, उधर राधा कृष्ण मंदिर है। तो जो हमारा एरिया है उसमें सारे के सारे मंदिर हैं। तो चलो चलते हैं अब घर के लिए। तो जी पहुंच गए हम घर, और माइलो को देखो, माइलो ना जब तक हम इधर उधर जाते हैं जगह पे कब्जा कर लेता है। देखो कैसे गुस्सा पड़ा है, उसको पता है यही आने जा रहे होंगे ना, इसलिए वो उठने का कष्ट भी नहीं करता। अब देखो अब निकल रहा है। ओ महाराज, मतलब चोर आएगा जाएगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सोए रहोगे। हाँ तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं मंदिर से, मुझे बस जल चढ़ाना था, इसलिए मैं सिर्फ जल ले गई थी वो भी घर से। तो मेरे घर के पास ही है मंदिर, तो मैं घर से जल ले गई थी और फटाफट से जल चढ़ा के आ गई। शुरुआत बहुत अच्छी सुबह की शुरुआत हुई है, आगे देखते हैं दिन कैसा जाता है और आज का काम कितना होता है वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल अपने जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो मैं करती हूँ। इसको देखो जरा के सोने के स्टार्ट। महाराज महाराज सो रहे हो, महाराज ओ महाराज। और बच चुके हैं 1:30, और आज ना एक ही लड़का आया काम करने के लिए, तो वो भी बस ज़्यादा काम हो नहीं पाया, तो इनके जो है ना ये करके चला गया, ये खांचे बना के। तो ज़्यादा काम हुआ नहीं अभी, देखते हैं शाम तक क्या होता है। और रियो के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैंने सोचा आज रियो के लिए फ्राइड राइस बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से लगा हुआ था मम्मी फ्राइड राइस बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज फ्राइड राइस भी बना लेती हूँ रियो के लिए। तो राइस मैंने ये बना दिए थे माइक्रोवेव में, और ये सब्जियाँ वब्जियाँ मैं अभी भून रही हूँ, इसमें राइस वाइस डाल के मसाले वगैरह डाल के फ्राइड राइस मेरे तैयार हो जाएंगे। और मुझे जाना है बैंक, तो चलो फिलहाल अभी बना लेती हूँ खाना, उसके बाद चलती हूँ बैंक। काम इतने धीरे धीरे हो रहा है ना, मतलब अब इरिटेशन सा हो रहा है कि कब तक ऐसे रहना पड़ेगा, मतलब इधर ही इधर ऐसे घुच पुच में, सच में इरिटेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जल्दी से काम ख़त्म हो और जल्दी हम अपने नॉर्मल लाइफ वाली पटरी पे आए। तो देखो अब कब तक काम ख़त्म होता है। और बैंक अब मैं जा नहीं रही, क्योंकि 2 बजे ना बैंक वालों को ब्रेक हो जाता है, मैंने भी सोमी से पूछा। और माइलो फिर से देखो बांधा नहीं है मैंने इसे, पर ये यहीं आके सो रहा है, इसको भी पता है ना और जाएगा कहाँ, यहीं आके सोएगा, वरना ये वहाँ जाके कूड़ा उड़ा उठा रहा है। बाकी जब वो जाते हैं उसके बाद मैं एक बार सफाई तो कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी गंदा रहता है और माइलो के लिए भी ठीक नहीं है ना, माइलो को उस टाइम पे ब्रेक मिलता है तो वो भी कचर पचर खा लेता है। सो शाम तक देखते हैं कितनी प्रोग्रेस होती है काम पे। तो जी ये रियो भी आ गया वापस, और माइलो को देखो बैठे बैठे कैसे पूछ ला रहा है।
उसकी भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही। तो कैसा हुआ रियो पेपर तेरा? बहुत अच्छा। देखते हैं रियो का पेपर। क्यों रियो? तो जी हो रहे हैं 3:30 और अब मेरी बंदी है फिर से चाय इनके लिए जो काम कर रहे हैं। अब 2 लड़के हैं और रियो ये सो रहा है, माइलो वो सो रहा है। बस आजकल जिंदगी ऐसे ही कट रही है। तो चाय बनाती हूँ फिलहाल और चाय देती हूँ उनको भी। वो आज अलमारी के पल्ले लगा तो आज है 100वां दिन। 100 दिन हो गए पूरे। 100 दिन से जिंदगी जीते जीते बंजारों से जिंदगी जीते हुए हमें 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं और इन्होंने हमारा काम अभी तक करके नहीं दिया और इन्होंने अपने 2 डायलॉग फेमस कर दिए। टेंशन नहीं लेना, टेंशन ना लो। बोल बोल के इन्होंने हमें टेंशन दे रखी है, टेंशन दे रखी है। ये बड़े उस्ताद और ये छोटे उस्ताद कह रहे हैं मशीन के बराबर काम करता हूँ मैं। मशीन भी फेल है इनके आगे, तो देखते हैं बाद में कैसी फिनिशिंग आती है। तो जी फाइनली हो गया तैयार। अब ये फिक्स कर रहे हैं, देखो अब इन्होंने कहा मैं फिक्स करूँगा प्रॉपर आएगा। टेंशन तो तुम्हें भी हो रही है। हाँ दबाना पड़ रहा, वो अब दबाना पड़ रहा देखो ऐसे। तो वो थोड़ा सा ना मैं बताऊं क्या करो, उसको बाहर करो आराम से बेटे। तो जी चले गए हमारे कारपेंटर अलमारी को, आज तो फाइनल नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट हमारी अलमारी तैयार हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ अलमारी का लुक और ये रही तड़ा। और मुझे तो मतलब पर्सनली मैं अपनी वो बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन और मतलब सही बनी है ना सुमी, सही बन गई ना, कॉम्पैक्ट सी जैसे तुम चाह रहे थे। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इस पे मत जाइएगा दोस्तों, ये ना सनमाइका के ऊपर जो लैमिनेट होती है ना वो है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इस पे मत जाइएगा दोस्तों, ये ना सनमाइका के ऊपर जो लैमिनेट होती है ना वो है। अरे उन्होंने कहा जब पेंट हो जाएगा उसके बाद हटाना। और अभी इसमें अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग बची है। वेरी गुड। अब मजा आया ना। अब देखिए लाइट में सुमी, इसको खोल दो पहले 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 इसको खोल दो महाराज को, पहले इसकी सुन लो, पहले इसकी सुन लो। बेचारा बहुत देर से बंदा रहता है तो जाते हैं ना तो उसके बाद वो रुकता ही नहीं, वो जैसे ही जाते हैं वो भी समझ जाता है मेरे खुलने का टाइम है। ये कलर कॉम्बिनेशन ना अच्छा लग रहा है जबकि हमने ये जल्दी में सेलेक्ट किया। क्यों सुमी? जो आंखों को अच्छा लगता है ना वो जल्दी, आई मीन पहले हमने कुछ और सेलेक्ट किया था लेकिन वो चीज मिली ही नहीं तो उसके बाद उन्होंने हमें बुलाया। तो मुझे लगता है भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है, तो ये भी अच्छे के लिए हुआ। तो ये ना बहुत तरह के कलर दे रहा है यार ये वाली माइका ना, मतलब ये कभी ऑफ वाइट लग रही है, कभी इधर से देखो ना ग्रीनिश लुक दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लग रही है। अभी ये फाइनल नहीं है, फाइनल लुक इसका तब आएगा जब इसके सामने मिरर भी आ जाएगा तब। तो मिरर का डोर अभी वो लगा है और कल से फाइनली यहाँ का काम शुरू होगा, थैंक गॉड। मैं तो सही में रियल में थक गई हूँ ऐसी लाइफ जीते जीते। खाना पीना तो सही है हो जाता है लेकिन जो सामान इधर का उधर पड़ा है, जो चीज़ मिल रही है उसी से काम चल रहा है और चीज़ हम ढूंढने का कष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब हमने पोटलियाँ बना बना के पैक कर दी हैं। तो गाइस मम्मी लग चुकी है फिर से अपने काम में, ये देखो डेली का ये रूटीन क्या है? करें बेटा क्या करें, साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है। भी मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आज के ब्लॉग में, ऐसे रह के थक चुकी हूँ, कब हमारा ये सब बनेगा, कब हम फ्री होंगे। रिया तुझे कैसी लग रही है अपनी अलमारी? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ। कलर वलर सब मस्त लग रहा है। माइलो को भी पसंद आ रही है, देखो सब वहाँ अलमारी का मुआयना करने पहुंचे हुए। तो दोस्तों खाना तो मेरा बन चुका है, आज मैंने बनाई मिक्स वेज, गोभी गाजर आलू सब मिक्स करके। और आज की अपडेट तो मैंने दे ही दी कि हमारी अलमारी बहुत अच्छे से बन चुकी है। और मैं रियल में बता रही हूँ, मैं ना मुझे पहले लग रहा था यार
बड़ी ना हो जाए, पूरी जगह ना घेर ले। पर अब मुझे लग रहा है हमारा ये वाला स्पेस ना कवर हो गया और मुझे इतनी ही चाहिए थी, मतलब जैसा मैं चाह रही थी वैसे ही मिली है। तो दो लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अलमारी निहार रहे हैं। वैसे सोमी और मैं अपनी अलमारी निहार रहे हैं। रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बोलूंगी सोमी के कपड़े चेंज करने की हिम्मत। मैं तो वैसे ही जाऊंगा ऑफिस सुबह, पता है। सोमी कह रहे हैं मैं ऐसे ही सो जाऊंगा और ऐसे ही ऑफिस चला जाऊंगा। एक बार ही बैठ जाओ ना, जैसे काम करते रहो दिन भर तो काम हो जाता है। अब मैं बैठ गई ना, जैसे मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं उठ के जाऊं रोटी बनाऊं आटा गूंदूं। और माइलो भी अपने काम पे लगा पड़ा है। अब बनाते हैं हम खाना और व्लॉग भी काफी काफी लंबा हो गया है और काफी अच्छा हो गया है। देखो मेरे पीछे अच्छा लग रहा है ना। तो बताइएगा, एक कमेंट हमें जरूर दीजिएगा, अब तक हमारी अलमारी कैसी लग रही है। ये इसका फाइनल लुक बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, फाइनल लुक अभी बाकी है। पॉलिथिन फाड़ेंगे, पॉलिथिन फाड़ेंगे, हाँ वही अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे इस व्लॉग को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए बाय बाय सोमी, बाय बाय मालो, बाय बाय रियो।